सो गुड आफ्टरनून आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओके सो इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग कि इंडिया के पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हुई राइट right? कौन से स्टेज में आज हम लोग हैं और गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं पॉपुलेशन को स्टेबिलाइज करने के लिए एंड वेयर वी नीड इम्प्रूवमेंट सो ये चार पांच टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड ओके सो यू सी दिलेबस हियर टू पॉइंट में इंडियन पॉपुलेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ओके सो इंडियन पॉपुलेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ राइट सो बहुत जनरल टॉपिक है ये और जनरल रहने के वजह से ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल टॉपिक है जोग्राफी uh, में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ह्यूमन जोग्राफी में सो प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है देन वी हैव मेन्स में जनरल स्टडीज परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है देन ऐसे राइटिंग में भी पॉपुलेशन का डेटा वेरी यूजफुल है तो so, पॉपुलेशन का डेटा भी पता रहना जरूरी है ऐसे राइटिंग के लिए एंड देन ऑफकोर्स फॉर एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू ओके सो एक 2011 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था आई विल शो यू एग्जाम्पल यू सी इन 2011 प्रीलिम्स एक क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन uh, टॉपिक से सो इट सेस की इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विथ डेमोग्राफिक डिविडेंट सो दिस इज ड्यू टू वॉट चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर इट्स हाई क्वालिटी इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो फिफ्टीन ईयर्स देन इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर ईयर देन ऑप्शन सी है वी है एज ग्रुप अब ईयर्स इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन राइट सो चार ऑप्शन दिए हुए एक्चुअली इसका आंसर है बी सो इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्रीव्यूट डेमोग्राफिक डिविडेंट बिकॉज इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ फिफ्टीन टू सिक्सटी फोर ईयर्स क्योंकि ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है सो जिस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है सो so, वो पॉपुलेशन हमारे लिए यूजफुल रहती है दैट इज़ लाइक अ डेमोग्राफिक डिविडन अस राइट सो ये प्रीलिम्स में है और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री राइट नाउ और उसके अलावा भी जैसे इनडायरेक्टली अगर ऐसे पूछता है सस्टेनेबल uh, डेवलपमेंट है रिसोर्स uh, मैनेजमेंट है देन वी हैव जॉब क्रिएशंस स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट सो इस टाइप के अगर ऐसे आते हैं सो so वहाँ पर आप लोगों को पॉपुलेशन का डेटा पता रहना ज़रूरी है ओके सो दैट वी कैन राइट बेटर एसेस सो अगर हम लोग अपने ऐसे में पॉपुलेशन का डेटा इंक्लूड करते हैं 2011 थाउजेंड सेंसस का या तो फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से कुछ डेटा इंक्लूड करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सो वी कैन राइट बेटर आंसर्स ओके सो CAPF में 2015 में एक ऐसे आया था क्योंकि जब मैंने 2015 में CAPF का एग्ज़ाम दिया था सो आई स्टिल रिमेंबर कि एक ऐसे आया था 2015 में पॉपुलेशन के ऊपर सो यू सी हियर वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि हाई पॉपुलेशन सो दे हैव कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ ए बेन देन ऐसे का टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर ऑफ अ बेन देन अ बून सी बेन का मतलब क्या होता है बेन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा फैक्टर जिसके लिए हम लोग चिंतित है समथिंग दैट इज़ यू नो अ कॉज ऑफ वरी फॉरस्ट कि जिसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए कि यार फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है इंडिया का दैट इज बेन और बून मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल फॉरस्ट तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है सो देआर आस्किंग की लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर वो हमारे लिए एक यू नो वरिंग फैक्टर है सो so इस टाइप के ऐसे में यू हैव टू टेक यू नो पॉजिटिव स्टैंड क्योंकि हाई पॉपुलेशन तो है इंडिया का पॉपुलेशन तो बढ़ गया है अब उसके लिए तो हम लोग स्टेबिलाइज कर सकते हैं राइट सो ऐसा नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो वो हमारे लिए खराब है या समथिंग दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस ऐसा नहीं है पॉपुलेशन है इंडिया में बट वो पॉपुलेशन एक हमारा एक पोटेंशियल एसेट भी है अगर हम लोग हमारे लोगों को हम अगर अपने इंडिया के लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट देते हैं राइट उन लोगों को अगर प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं अगर हम अपने लोगों का हेल्थ इम्प्रूव करते हैं सो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू कि ये सब चीज़ें देकर हम लोग हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे सो so, हम लोग हमारे लिए एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं और ये एसेट हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगा सो so, यही हमारा एक पोटेंशियल वर्किंग पॉपुलेशन है ओके सो रादर देन कंसीडरिंग द पॉपुलेशन एज अ लाइबिलिटी वी मस्ट कंसीडर आवर हाई पॉपुलेशन एज एन एसेट सो ये हाई पॉपुलेशन हमारे देश का एसेट है बस इसको प्रॉपरली हमको चैनलाइज करना है ये ये पॉपुलेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना है ताकि वो और डेवलपमेंट में हमारे कंट्री के काम में आए राइट सो so, ये तो हो गया uh, we have seen syllabus हम लोग ने देख लिए फिर उसके बाद में 2011 का एक है फिर CIPF में एक ऐसे आया था राइट सो राइट सेंसस ओके सो सबसे पहले हम लोग 2011 से सेंसस के डेटा से स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद में कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे then we will move to दफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओके सो यू सी हियर की टू थाउजेंड इलेवन सेंसस का हम लोग थोड़ा सा बेसिक डाटा कवर करेंगे ओके सी टू थाउजेंड इलेवन सेंसस क्यू वाई क्योंकि अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है इट इज डिलेड बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक सो जब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का सेंसस आ जाएगा तो हम लोग अपडेट कर लेंगे बट अभी राइट नाउ वी डोंट हैव

राइट वी हैव 1981 then 1991 फिर उसके बाद में 2001 और 2011 right? so, 2011 राइट सो एक दो तीन चार पाँच छ एंड दिस इज सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस और सेंसस कौन कंडक्ट करता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कंडक्ट किया जाता है एनी गेस इट इज कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सो सेंसस इज कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स याद रखना किसी स्टेट uh, सर्विस में या फिर इनडायरेक्टली कोई एग्जाम में भी पूछ सकता है हमारे प्रीलिम्स में भी काम में आ सकती है डिटेल्स ओके इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पर्टिकुलरली बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ओके एंड सेंसस कमिश्नर राइट सो दिस ऑफिस कंडक्ट्स सेंसस ऑफ इंडिया सेवेंथ सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस और इट इज कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राइट नाउ वी विल सी समी बेसिक डेटा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सी टू थाउजेंड इलेवन के सेंसस के हिसाब से वॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन करोर ओके वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन करोर सो वन पॉइंट टू वन बिलियन एक बिलियन मतलब कितना होता है एक बिलियन मतलब होता है सौ करोड़ ओके सो दिस इज वन पॉइंट ट्वेंटी वन बिलियन और वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सी दिस इज अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसस बट राइट नाउ इफ यू टेक द डेटा ऑफ राइट नाउ वी आर इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मे में हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ओके सो अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा आवर पॉपुलेशन इज 142.86 करोड़ और चाइना की पॉपुलेशन है वन फोर्टी टू पॉइंट फिफ्टी सेवन करोड़ सो चाइना को भी हम लोगों ने अब ओवरटेक कर लिया है वन फोर्टी टू पॉइंट एट्टी सिक्स करोड़ एक सौ बयालीस करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है अभी सो so, और वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री टू थाउजेंड इलेवन सेंसस के हिसाब से हमारा पॉपुलेशन वन ट्वेंटी वन करोड़ था और उस टाइम वी वीर दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ वी हैव ओवरटेकन चाइना सो आवर पॉपुलेशन इज वन फोर्टी टू पॉइंट एट्टी सिक्स सी आर और पॉपुलेशन चाइना की कितनी है वन फोर्टी टू पॉइंट फिफ्टी सेवन सी आर ओके सो चाइना को तो हम लोगों ने पॉपुलेशन में ओवरटेक कर लिए और लेट्स होप कि हम लोग चाइना को लाइक uh, मैनुफैक्चरिंग like में और इकोनॉमिक वाइज भी इम्प्रूव करेंगे ओके okay. सो so, uh, थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो हमेशा इस एग्जाम का uh, एक रिक्वायरमेंट है कि आपका माइंडसेट गवर्नमेंट के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ओके अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का वहीं पर ही करना है जहाँ पर पूछा गया है ओके सो दे विल आस्क यू इन क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन क्रिटिकली एनालाइज करो सो so जब वो पूछ रहे क्रिटिकल एनालाइज करो तभी क्रिटिकल एनालिस करना है अननेसेसरी गवर्नमेंट के बारे में या इंडिया ऐसा कंट्री के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है ओके सो दिस इज दिस मस्ट बी योर माइंडसेट कि पहले ये चीज़ सीखो कि जो भी हमारे देश में है सब अच्छा है और जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ओके सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया राइट नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिटेल ये तो हो गया पॉपुलेशन नाउ यू टेल मी कि इंडिया के पास लैंड कितनी अवेलेबल है इंडिया के पास वर्ल्ड वर्ल्ड का जो लैंड है वर्ल्ड का लैंड है उसके कंपेयर में इंडिया के पास कितने परसेंटेज लैंड है वी हैव ओनली 2.4 परसेंटेज ऑफ द लैंड 2.4 परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स लैंड और उसके ऊपर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वी हैव व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वी हैव

2.4 परसेंटेज ऑफ लैंड के ऊपर सो so, यहां पर स्पेस कम है ओके okay. सो so, ये स्पेस कम रहने की वजह से डेंसिटी ज्यादा है ओके okay. इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है सो वॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया द डेंसिटी ऑफ इंडिया इट इज थ्री हंड्रेड एंड एट्टी टू परसेंट पर स्क्वालोमीटर थ्री हंड्रेड एंड एट्टी टू परसेंट पर स्क्वालोमीटर ओके थ्री हंड्रेड एंड एट्टी टू परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर इसका मतलब क्या होता इसका मतलब यह है कि वन किलोमीटर बाय वन किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे थ्री हंड्रेड एंड एट्टी टू परसेंट्स आर लिविंग वन किलोमीटर बाय वन किलोमीटर सो ये लेंथ वन किलोमीटर और ये विथ वन किलोमीटर इसमें कितना पॉपुलेशन रह रहा है थ्री एट्टी टू परसेंट्स वॉट इज द डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का डेंसिटी कितना है जोग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वर्ल्ड का डेंसिटी पढ़ोगे आप लोग वहाँ पे सो वर्ल्ड का डेंसिटी कितना है यहां पर लिख रहा हूं वर्ल्ड का डेंसिटी है 51 वन परसेंट वर्ल्ड का डेंसिटी कितना है 51 वन परसेंट ओके इंडिया का डेंसिटी कितना है 382 हंड्रेड और विद इन इंडिया हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में एनी गेस इट इज नॉट उत्तर प्रदेश इट इज बिहार यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है डेंसिटी नहीं ओके देन वी हैव लोएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट का है अरुणाचल प्रदेश ओके सो ये छोटे छोटे डिटेल्स याद रखना अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट डेंसिटी है और बिहार का हाईएस्ट डेंसिटी है ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट डिटेल एंड दैट इज एक पॉपुलेशन हो गया और एक डेंसिटी हो गया नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज वॉट इज वट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉट इज़ द लिटरेसी रेट इन इंडिया इट इज सेवेंटी थ्री सेवनटी थ्री परसेंटेज लिटरेसी रेट को हम लोगों ने सेवेंटी थ्री परसेंटेज तक ला लिए सो नाइनटीन फिफ्टी वन के कम्पेयर में तो हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं पूरा सो वी हैव रिच टिल कितना कहाँ तक आए हम लोग लिटरेसी में वी हैव रिच टिल सेवेंटी थ्री परसेंटेज वाट इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इट इज़ सिक्सटी सेवन ओके सिक्सटी सेवन ईयर्स ये हम लोग कंबाइन ले रहे हैं इसमें मेल और फीमेल का अलग हो सकता है लिटरेसी रेट में भी मेल और फीमेल का अलग हो सकता है और अलग है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी एक दो या तीन साल आगे पीछे हो सकता है बट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज़ सिक्सटी सेवन ईयर्स ओके नाउ द लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिटेल द फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिटेल दैट इज सेक्स रेशियो सो ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक सेक्स रेशियो वट इज द ओवर सेक्स रेशियो इन इंडिया वॉट इज देश नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी पर वन थाउजेंड क्या होता है इसका मतलब नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फीमेल्स फॉर एवरी फॉर वन थाउजेंड मेल ओके नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फीमेल्स फॉर वन थाउजेंड मेल्स ओके सो अभी यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन्स है सो so, हरियाणा में तो और भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है हरियाणा में कितना है सेक्स रेशियो एट सेवेंटी नाइन बाय वन थाउजेंड ओके हरियाणा के लड़कों को तो और भी प्रॉब्लम होने वाली है एट सेवनटी नाइन सेक्स रेशियो है वहाँ पर एट सेवनटी नाइन फॉर वन थाउजेंड और जिन लोगों को ये कंपटीशन अवॉइड करना है सो वो लोग केरला जा सकते हैं जिन लड़कों को डर लग रहा है तो वो लोग केरला जा सकते हैं ओके okay, सो वहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है एट्टी फोर फीमेल फॉर वन थाउजेंड मेल ओके सो एक्चुअली सेक्स रेशियो बताता है कि हम लोग कितने अपने फीमेल पॉपुलेशन को या इवन यू नो बेटियों को कितना प्रोटेक्ट कर पा रहे है ओके इसीलिए गवर्नमेंट अभी uh, सेक्स uh, रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम्स लॉन्च कर दी एक्चुअली बहुत पहले से ही है अभी फिर से मोदी जी ने द स्कीम्स लाइक वी हैव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सो ऑल दिस इफर्ट्स क्यों क्योंकि सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है ओके okay. सो so, ये पांच डिटेल्स आप ध्यान में रखो ओके दिस फाइव डिटेल्स आर वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली सेंसस में तो बहुत सारे डिटेल्स है सेंसस में बहुत सारे डिटेल्स है बट वी विल यू नो टेक डिफरेंट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द

82 टू देन वी सेड लिटरेसी ऑफ इंडिया 73 सो नाइनटीन फिफ्टी के कंपेयर में तो हम लोग बहुत इंप्रूव किए 18 परसेंटेज के करीब में लिटरेसी थी इंडिया का 1951 में देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वी हैव रीच 67 सेवन एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट अवर डिटेल इट वॉज फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिटेल जो अभी हम लोगों ने देखे वो सेक्स रेशियो ओके नाउ लेट्स मूव टू वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट ओके सो टोटल फर्टिलिटी रेट ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल एस टी एफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टोटल फर्टिलिटी रेट ओके ना वॉट अ मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट सिंपल है सो इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वूमन कैन गिव बर्थ टू ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज ओके सो इट्स लाइक फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से लेकर तो मेनोपोस्ट तक सो ये जो रिप्रोडक्टिव एज रहता है वुमन का इस रिप्रोडक्टिव एज में द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट शी कैन गिव बर्थ टू दैट इज कॉल्ड एस टोटल फर्टिलिटी रेट सो किसी भी कंट्री का यू uh, नो you know, uh, ये उद्देश्य रहता है मेनली कि वो अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करे सी अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा नंबर ऑफ नए चिल्ड्रन्स कम होंगे और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होगी सो एवरी कंट्री ट्राइज टू यू नो रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट राइट सो इससे मिलता जुलता और एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी तो ये सुने होंगे आप लोगों ने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आर एल एफ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी सो इट मीन्स कि इट इज द रेट एट विच द पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इट्स एल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट इंक्रीजिंग द ग्रोथ ओके सो इट सेज कि जैसे इमेजिन करो डेफिनेशन से आपको नहीं समझेंगा यहाँ पर एक फादर है राइट और यहाँ पर मदर है कितने लोग हो गए दो ओके सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच होने के बाद में जैसे इमेजिन करो कि 67 सेवन ईयर्स इन्होंने क्रॉस कर लिए सो so, उसके बाद में कभी भी 67 के बाद में तो कभी भी डेथ हो सकती है राइट सो सिक्सटी के पहले भी हो सकती है बट लेट्स यू नो बी वेरी ये एक फादर है और यहां पर मदर है सो so, इन दो लोगों की जब डेथ हो जाएंगी सो इट सेस कि इन लोगों ने दो चिल्ड्रंस एड करके जाना चाहिए दैट इज जैसे इमेजिन करो एक बॉय है और एक है गर्ल ओके सो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इट इज द रेट एट विच दिस पॉपुलेशन रिप्लेस इट सेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट इंक्रीजिंग द ग्रोथ ओके सो पॉपुलेशन का अब ग्रोथ नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है रिप्लेसमेंट हो रहा है पहले भी दो लोग थे और आने वाले जनरेशन में भी दो लोग हैं सो so, पहली जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को यू you नो know, आने दिया और इट्स लाइक दिस सेकंड जनरेशन हैज रिप्लेस्ड फर्स्ट जनरेशन ओके सो एक्चुअली द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री इट इज 2.1 पॉइंट वन वॉट इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री इट इज टू पॉइंट वन नाउ यू विल आस्क की सर टू पॉइंट वन क्यू है ना आप, आपने बोले कि दो लोग हैं और वो दो लोग नए दो लोग ऐड करेंगे पॉपुलेशन में सो वाई वी हैव एक्स्ट्रा टू पॉइंट वन ईयर वाई एक्स्ट्रा जीरो पॉइंट वन ईयर बिकॉज इमेजिन करो इन दोनों में से कोई एक अगर इनफर्टाइल निकल जाता है ओके सो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस राइट अगर कोई इनमें से इनफर्टाइल निकल जाता है या फिर अगर इनमें से कोई डिसाइड करता है कि उनको शादी नहीं करना है दे डोंट वॉन्ट ही और शी डजेंट वट टू गेट मैरिड राइट अब इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है विदाउट गेटिंग मैरिड सो इन सब फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए हम लोग यहां पर एक्स्ट्रा जीरो पॉइंट वन लेते ओके दैट इज वाई दिस टू पॉइंट वन इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एक्स्ट्रा जीरो पॉइंट वन हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल निकल जाए तो वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा शादी नहीं करना है तो वो भी आगे प्रोडक्शन नहीं होगा और इन दोनों में से अगर किसी की डेथ हो जाती है सो तो इन सब फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए हम टोटल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हाइयर साइड में लेते हैं ओके सी टोटल फर्टिलिटी रेट प्रैक्टिस क्या रहती है कि कोई भी कंट्री कोशिश करती है कि वो अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी तक लेकर आए ओके okay. जैसे इमेजिन करो टोटल फर्टिलिटी रेट किसी कंट्री में सिक्स है या फिर फाइव है सो so, वो कंट्री क्या चाहेंगी हमेशा कि ये रेट को कम करके कहां तक पहुंचना है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 तक हमको पहुंचना है दिस इज दी यू नो आइडियल प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंडिया में क्या स्टेटस है सी अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव राइट नाउ द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इट इज बिलो 2.1 पॉइंट वन सो हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे अभी जा चुके आवर टोटल फर्टिल आवर टोटल फर्टिलिटी रेट इज टू ओके सो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे टोटल फर्टिलिटी रेट इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन कैन गिव बर्थ टू ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस कर रही है ओके, सो आवर प्रैक्टिस टू रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपोर्टेंट डेफिनेशन एंड दैट इज बेसिक डेफिनेशन है पढ़े होंगे आप लोगों ने दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओके दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट सो थर्ड इम्पोर्टेंट एंड बेसिक डेफिनेशन इज इनफेंट मोर्टैलिटी रेट हेल्थ के ऊपर अगर कोई भी आपको आंसर लिखना है एस ए में आ, या फिर जनरल स्टडीज में भी अगर हेल्थ सेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है सो so वहां पर आई एम आर और एम एम आर का डेटा ध्यान में रखना ओके सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ब्रैकेट में ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिंपल है इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी डेथ्सेंड लाइफ बर्थ्स. फॉर एवरी वन थाउजेंड लाइफ सो इसका टारगेट क्या था सी अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. थाउजेंड में गवर्नमेंट ने न्यू हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किए थे सो so, उसमें इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का टारगेट कितना रखे थे उन्होंने दे सेट की वी विल ट्राई टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट टू ट्वेंटी एट तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे ओके राइट नाउ राइट नाउ वॉट इज द स्टेटस ऑफ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट सो हम लोग तीस तक तो पहुंच गए ओके सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे कि उस टाइम हेल्थ सेक्टर इतना इंप्रूव नहीं था सो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ज्यादा हुआ करता था सो so, पहले बच्चों की ज्यादा डेथ होती थी अब उसको हम लोग रिड्यूस करते हुए आ रहे एंड वी एव रीच टिल थर्टी ओके हमारा टारगेट ट्वेंटी एट का है फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैटर मोर्टैलिटी रेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ओके एम एम आर इसी को बोलते हैं एमएमआर वॉट इज मैटरनल मोर्टैलिटी रेट सिंपल है इट इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स बर यहां पर एक डिफरेंस है फॉर एवरी नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स फॉर एवरी वन लैख है यहां पर ओके फॉर एवरी वन लैख लाइफ बर्थस सो लाइफ बर्थस इंफेंट मोर्टैलिटी रेट में कंपेरिजन किस चीज से फॉर एवरी वन थाउजेंड लाइफ बर्थ मैटर मोर्टैलिटी में यह याद रखना वन लैख लाइफ बर्थ है ना प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी और जैसे आंसर राइटिंग भी अगर मेंस वगैरह में लिख रहे हो आप आंसर तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी जितने बार भी मैंने स्टूडेंट्स को पूछा है सो so वो दोनों डेफिनेशन के लिए एक ही बेस का आंसर देते बट ऐसा नहीं है इनफैक्ट मोर्टैलिटी रेट में वन थाउजेंड है और मेटरनर मोर्टेलिटी रेट में वन लैक लाइफ बर्ड्स है ओके सो वर्ट्स ए टारगेट ऑफ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू थाउजेंड सेवनटीन वट्स अ टारगेट इट्स इसका टारगेट है कि वी आर ट्राइंग टू तो रिड्यूस इट टू तो वन हंड्रेड फॉर एवरी वन लैक लाइफ बर्ड्स और हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं नाइनटी एट तक हम लोग पहुंच गए ओके सो वट एक्चुअली दिस मैटरनल मोर्टैलिटी रेट से हमको पता क्या चलता है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट से हमको ये पता चलता है कि हम लोग अपने यू नो मैटरनल डेथ्स कितने रिड्यूस कर पा रहे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में जब हेल्थ सेक्टर वगैरह उतना इम्प्रूव नहीं था टेक्नोलॉजीज नहीं थी सो so मदर की डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हो जाती थी बिकॉज कॉम्प्लीकेशन जो होते थे डिलीवरी के पहले भी और डिलीवरी के बाद में भी सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन्स सो मम्मी लोगों की डेथ हो जाती थी उस टाइम पे राइट सो अब हम लोग वो मोर्टैलिटी रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इज़ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इट इंडिकेट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन जितना ये रेट कम रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है दैट इंडिकेट्स कि उस कंट्री में मम्मी लोग की जो हेल्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो अच्छी है एंड दे आर इफिशियटली दे आर ट्राइंग टू दे इफिशेंटली गिविंग बर्थ टू द बेबीज ओके सो ये चार डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है ध्यान में रखना ओके नाउ विद दिस बैकग्राउंड 2011 का सेंसस हम लोगों ने देखे और कुछ बेसिक डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखे नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट्स मूव टू दी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओके सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दैट इज कि इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हुआ ओके okay. कैसे और कौन से स्टेजेस में इंडिया का पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टू दिस टू एलेवन ओके सो फर्स्ट इज फर्स्ट वी विल टेक द पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स दैट इज द पीरियड फ्रॉम नाइनटीन जीरो वन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन ओके सो फ्रॉम नाइनटीन जीरो वन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड एंड दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड एस द पीरियड ऑफ स्टैगनेंट ग्रोथ द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ स्टैगनेंट का मीनिंग क्या होता है स्टैगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ ओके सो बहुत सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुआ इस पीरियड में

कम है ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि दस नए की पॉपुलेशन में बर्थ हो रही है बट क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है सो नौ चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है ओवरऑल नेट एडिशन कितना हो रहा है ओनली वन चाइल्ड ओके सो क्यों यहां पर डेथ रेट ज्यादा है डेथ रेट क्यों यहां पर ज्यादा है क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ वग़ैरह उतनी इम्प्रूव नहीं हुई ओके वी आर इन नाइनटीन जीरो वन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन सो अभी हेल्थ केयर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चरल फ़ैसिलिटीज़ है कनेक्टिविटीज़ है हाइजीनिक कंडीशंस ये सब अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ और उसके अलावा भी यहाँ पर डिसीजेज़ uh, है एपिडेमिक्स है सो so, इन सब के वजह से बहुत सारे लोगों की हर दस साल में मतलब मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है यहाँ पर ओके सो

डिक्रीज हुआ ओके एंड दिस इज द यूनिक फीचर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ओके दैट इज वाई दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसीलिए नाइनटीन ट्वेंटी वन ईयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड ओके दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड इसको समझने की कोशिश करो आप लोग 1901 से 1921 ये 20 साल का टाइम स्पैन हम लोग ले रहे हैं बट अभी हम लोगों ने उसको ब्रेक किया 10 सालों में फ्रॉम 1901 टू तो 1911 एंड 1911 इलेवन टू नाइनटीन सो ये जो पहले के 10 साल है इसमें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई बट फ्रॉम 1911 टू तो 1921 ट्वेंटी इंस्टेड ऑफ़ पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन क्या हुआ डिक्रीज हुआ है ना और ये डिक्रीज होना बहुत एक यूनिक फीचर है क्योंकि अगर हम लोग 10 साल का टाइम स्पेंड लिए तो जनरली पॉपुलेशन क्या होगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा बट ये डिकेड में डिक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन ओके सो इसको ध्यान में रखना प्रिलियम्स में भी कभी कभी आपको पूछ सकता है कि इंडिया में के कौन से डिकेड में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है ओके सो द पीरियड फ्रॉम नाइनटीन एलेवन टू नाइनटीन 21 ओके नाउ व्हाई कि इस डिकेड में पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुआ क्योंकि इसके तीन इंपॉर्टेंट रीजन है फर्स्ट इज इट इज बिकॉज़ ऑफ ड्राउट सो ड्राट्स के वजह से क्या हुआ ड्राट्स के वजह से फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन होने की वजह से नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज डिपेंडेंट ऑन फूड सो दे डिड नॉट गेट फूड एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन इन डेथ ऑफ मेनी पीपल ओके एक तो ये है दूसरा रीजन क्या है इट इज़ बिकॉज ऑफ एपिडमिक्स सो उस टाइम पे अपीडमिक्स थे डिसीजेस लाइक like, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉलरा है राइट स्मॉल पॉक्स है सो so, इन सब के वजह से भी नंबर ऑफ डेथ्स और कैशुअलिटीज इंक्रीज हुई ओके थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ इस डिकेट में एनी थिंग वर्ल्ड हिस्ट्री रिमेंबर वर्ल्ड हिस्ट्री नाइनटीन से 1921 में क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिमेंबर क्या टाइम स्पैन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से लेकर 1918 तक ये चार साल के पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ यूरोप में और इंडिया के सोल्जर्स भी वहां पर गए थे फाइट करने के लिए सो दिस मोस्ट ऑफ मेनी इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस डिकेट इट इज डिक्रीज और ओवरऑल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ओवरऑल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 1901 टू 1921 कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5.43 परसेंटेज ओके सो इमेजिन करो कि जैसे 1901 में अगर 100 पॉपुलेशन है सो so 1921 में कितना पॉपुलेशन होगा 105.43 ओके सो सिर्फ पाँच परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ इसीलिए दिस इज़ लेस पीरियड ऑफ स्टेग्नेंट पॉपुलेशन ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पीरियड एंड दट इज दीरियड ऑफ एक स्टेगनेंट है और दूसरा है फिर उसके बाद में स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओके सो दर फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी वन टू नाइनटीन फिफ्टी वन सो ये तीस साल के पीरियड में क्या हुआ कि पॉपुलेशन अब स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है ओके सो दीरियड फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी वन टू नाइनटीन फिफ्टी वन the period of steady growth rate of population okay the period of steady growth of population अब यहां पर ध्यान दो ये वर्ड्स पे ध्यान दिया करो है ना पहले यहां पर स्टेगनेंट है सेकंड नंबर पे स्टेडी ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ रेट मींस इट मींस अब स्लोली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है सो बर्थ रेट तो यहां पर हाई है बट पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है क्योंकि अब हम लोग डेथ रेट्स को रिड्यूस कर पा रहे क्यों डेथ रेट्स को हम लोग रिड्यूस कर पा रहे क्योंकि नाउ देर इज एन इंप्रूवमेंट इन हेल्थ राइट इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी सो इन सब रीजन्स के वजह से इन सब रीजन्स के वजह से क्या हो रहा है कि डेथ रेट्स को हम लोग कम कर पा रहे ओके सो नाउ यू टेल मी कि 1921 में कितना पॉपुलेशन था 1921 में द पॉपुलेशन इट वाज और 1951 में सो so यहां पर है 25.1 फाइव सी आर और यहां पर है 36.1 सिक्स पॉइंट वन सी आर ओके सो सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन अब इंक्रीज होते जा रहा है ओके सो दैट इज कॉल्ड एस द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड एंड दैट इज फ्रॉम 1951 टू 1981 एटी वन सो ये तीस साल का पीरियड इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है दिस पीरियड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ओके ये वर्ड्स ध्यान में रखो वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ओके सो ये हर एक टाइम पीरियड्स के हिसाब से ये सब वर्ड्स आपके आंसर में आना चाहिए ओके okay, यहाँ पर स्टेगनेंट है स्टेडी है एक्सप्लोजन है वाई दिस पीरियड दिस थर्टी ईयर्स ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बहुत स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुआ कि 1951 में द पॉपुलेशन हम लोगों ने कितना देखे थे 36.1 सीआर और 1981 में द पॉपुलेशन इट वाज ऑलमोस्ट डबल 68.3 सीआर सो 89 परसेंटेज पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है 89 परसेंटेज okay, ओके 89 परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्यों इतना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन अगेन जैसे जैसे रैपिड डेवलपमेंट्स होगा जैसे जैसे रैपिड इंप्रूवमेंट होगा हेल्थ सेक्टर में वैसे वैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते जाएंगी ओके सो बाय नाइनटीन हम लोग हेल्थ सेक्टर में बहुत इंप्रूव कर रहे हैं है ना सो डेथ रेट्स इसके वजह से क्या हो रहा है डिक्लाइन होते जा रहा है और ओवरऑल नेट एडिशन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है ओके सो यू रिमेंबर दिस थर्टी इयर्स ऑफ पीरियड सो so, ये पीरियड इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है एट्टी नाइन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड एस द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई क्यों डबल हो रही है क्योंकि हम लोग और हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव कर रहे सो so, जैसे जैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे हेल्थ सेक्टर में वैसे वैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगा ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पीरियड दैट इज द पीरियड फ्रॉम नाइनटीन से लेकर तो पीरियड ऑफ 2011। सो so, इस पीरियड में क्या यूनिक फीचर है कि पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रहा है बट डेफिनेटली देर आर साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन ये इंपॉर्टेंट है बट राइट नाउ देर आर साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन ओके अब स्लो डाउन के साइंस हो रहे हैं बर्थ रेट में डिक्लाइन हो रहा है और डेथ रेट्स में भी डिक्लाइन हो रहा है सो डेथ रेट्स को तो हम लोग इंप्रूव कर ही रहे थे अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग बर्थ रेट्स को भी डिक्रीज कर पा रहे ओके सो दिस में अगेन आई एम टेलिंग यू कि पॉपुलेशन इंडिया का भले ही इंक्रीज हो रहा है बट पहले जिस रेट से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होता था वो रेट अब डिक्रीज हो रहा है ओके सो नाउ आई विल शो यू वन एग्जाम्पल ओके सी हिस्सा जैसे एक इमेजिन करो एक स्टूडेंट है ओके okay, उसका क्लास सिक्स में स्कोर कितना है क्लास सिक्स में उसको सिक्सटी परसेंटेज है क्लास सेवेंथ में सिक्सटी फाइव परसेंटेज है सेवेंटी टू परसेंटेज है, है. यहां पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ फाइव परसेंटेज इंक्रीज हुआ अभी यहां पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेवन परसेंटेज इंक्रीज हुआ ओके okay, अब लेकिन जब वो स्टूडेंट नाइन्थ क्लास में पहुंचा सो so, कितने परसेंटेज आए उसको सेवेंटी सिक्स परसेंटेज और टेंथ क्लास में सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ और टेंथ क्लास में कितने परसेंटेज आए टेंथ क्लास में उसको सेवेंटी एट परसेंटेज आए सो सी ओवरऑल अगर आप लोग देखो पहले से सो so, ओवरऑल क्या हो रहा है कि वो स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है सिक्सटी लाए फिर सिक्सटी फाइव सेवेंटी टू सेवेंटी सिक्स सेवेंटी एट ओवरऑल तो वो परसेंटेज उसका हर साल बढ़ते ही जा रहा है बट पहले इन दोनों में पाँच परसेंटेज से इंक्रीज हुआ फिर सात परसेंटेज से इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद में डिक्लाइन होते जा रहा है अब सिर्फ चार परसेंटेज से इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद में और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ दो परसेंटेज से इंक्रीज हुआ राइट सो so, इंडिया का पॉपुलेशन हिस्ट्री भी ऐसा ही है पहले इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ फिर एक डिकेड पर पीक ग्रोथ लेवल अचीव हुई डिकेडल ग्रोथ रेट और फिर उसके बाद में अब डिकेडल ग्रोथ रेट डिक्लाइन होते जा रही है है ना फॉर एग्ज़ाम्पल नाइनटीन फिफ्टी वन फोर्टी वन टू फिफ्टी वन फिर और इंक्रीज हुआ फिफ्टी वन टू सिक्सटी वन फिर उसके बाद में सिक्सटी वन टू सेवेंटी वन सो सिक्सटी वन टू सेवेंटी वन ये पीक है और फिर उसके बाद में अब डिक्लाइन होते जा रहा है सेवेंटी वन टू एटी वन एटी वन से लेकर नाइन्टी वन डिक्लाइन हो रहा है और फिर उसके बाद में नाइन्टी वन टू टू थाउजेंड वन सो दिस इज 1941 टू 51, 51 टू 61 और ये 1961 से लेकर 71 में टॉप सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ और फिर उसके बाद में अभी भी इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है बट जिस रेट से पहले इंक्रीज़ होता था सो तो वो रेट अब डिक्रीज़ होते जा रहा है ओके सो व्हाट वी हैव सेड कि 61 टू 71 में इंडिया का पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है ओके okay, सो so, अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग इट पहले हम लोगों ने कहा से स्टार्ट किए वी स्टार्टेड फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स ओके यू सी हियर वी स्टार्टेड फ्रॉम हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट्स और अभी हम लोग कहां पर जाके पहुंचे लो बर्थ रेट्स और लो डेथ रेट्स ओके सो यही तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी है ओके सी लिसन केयरफुली वी स्टार्टेड फ्रॉम हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट उसके बाद में अभी फाइनली हम लोग कौन से स्टेज पे जाकर पहुंचे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट ओके दिस इज कॉल्ड लेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी दिस थेरी इज कॉल्ड लेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी सो वॉट दिस थेरी सेस दि थेरी सेस की जब सोसाइटी रूरल uh, से अर्बन में ट्रांसफॉर्म होती है, है ना जब सोसाइटी इलिटरेट से लिटरेट में ट्रांसफॉर्म होती है सो सोसाइटी क्या होता है कि वो लो बर्थ हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लेकर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में ट्रांसफॉर्म होती है ओके सो दिस इज कॉल्ड एस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी सो इसको ध्यान में रखना और एग्जाम में ये सब चीजें ऐसे में आंसर में ये सब लिख के आना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी वॉट दिस थेरी सेज इट सेज कि जब सोसाइटी एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल में आती है रूरल से अर्बन में आती है और इलिटरेट से लिटरेट में आती है तो सोसाइटी हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में ट्रांसफॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड एस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थेरी सो इसके तीन स्टेजेस रहते हैं। पहले स्टेजेस में हाई बर्थ रेट रहता है हाई बर्थ रेट रहता और हाई डेथ रेट रहता दूसरे स्टेज में क्या होता हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट फिर दूसरे स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट उतना ही रहता है कंटिन्यूस टू रिमेन हाई बट डेथ रेट्स को हम लोग क्या करते डिक्लाइन होते जाता है क्यों डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती है राइट right? और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज में क्या होता है फाइनल स्टेज में बर्थ रेट भी लो रहता है बर्थ रेट भी लो रहता है लो बर्थ रेट और डेथ रेट्स भी लो रहते हैं सो लो डेथ रेट ओके okay, ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सो इंडिया में ना भी केयरफुली, इंडिया में ये तीनों स्टेजेस कंप्लीटली विजिबल हुए ओके, okay, सो so, इंडिया हैज गॉन थ्रू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सो अभी हम लोग फाइनल स्टेज में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ओके okay, सो so, ये पहला स्टेज है जहां पर बर्थ रेट भी ज्यादा है डेथ रेट भी ज्यादा है ये दूसरा स्टेज है जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हुआ डेथ रेट डिक्लाइन होने की वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है और ये अब लास्ट वाला थर्ड फेज 1981 एटी वन टू टू जहां जहाँ पर बर्थ रेट्स कम है और डेथ रेट्स भी कम है दिस इज़ कॉल्ड एस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी ओके सो

और y एक्सिस पे कोई वैल्यू ली जाती है जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास कंट्री का डेटा है ओके okay, हमारे पास किसी एक कंट्री है उस कंट्री का पॉपुलेशन का डेटा है सो so, हम लोग क्या करेंगे कि उस पॉपुलेशन डेटा को डिवाइड करेंगे ओके फॉर एग्जांपल जैसे जीरो टू हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो टू फोर एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन है फाइव टू नाइन एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन है राइट नाइन टू फोर्टीन में कितना पॉपुलेशन है फिर फिफ्टीन टू नाइनटीन में कितना पॉपुलेशन है जीरो टू फोर फाइव टू नाइन टेन टू फोर्टीन राइट फिर उसके बाद में 15 टू 19 ऐसे ही हम लोग 85 90 तक जाएंगे जहां तक उसका पॉपुलेशन है ओके okay. और अब ये पॉपुलेशन को हम लोग क्या करेंगे मेल और फीमेल में भी डिवाइड करेंगे सबसे पहले हमारे पास कंट्री का पॉपुलेशन डेटा है सो so, उसको हम लोग एज ग्रुप में डिवाइड कर रहे एज ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में उसमें हम लोग और देख रहे हैं कि अब इसको हम लोग जेंडर में डिवाइड करेंगे कि मेल कितने और फीमेल कितने सो so, उसके बाद में जब ये डेटा हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीटली तो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ वाई एक्सिस पे हम लोग एज ग्रुप लेंगे वाई एक्सिस पे एज ग्रुप लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम लोग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेंगे एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेंगे ओके okay, सो so, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेंगे है ना जीरो है फिर यहाँ पर दो परसेंटेज है जैसे फोर है सिक्स है एट है ओके यहाँ पर भी दो है चार है छः, आठ ओके छः, दो चार छः, आठ ओके अब यहाँ पर इधर साइड में, में मेल के लिए ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर फीमेल के लिए ड्रॉ करेंगे ओके नाउ यू सी कि अब इमेजिन करो कि मेल का पॉपुलेशन सिक्स परसेंटेज है ओके जीरो टू फोर एज ग्रुप में फोरसेंट सिक्स परसेंटेज मेल का पॉपुलेशन है और सिक्स पॉइंट फाइव परसेंटेज इमेजिन करो फीमेल का पॉपुलेशन है ओके फिर उसके बाद में और हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जा रहे फिर उसके बाद में और ऐसे ही कंप्लीटली ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ओके नाउ इफ यू सी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ओके आई विल शो यू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया यू सी हियर आई विल शो यू वन डायग्राम सो इफ यू सी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया इट इज़ हीवी एट द बॉटम इसी लिए इंडिया के डेमोग्राफिक पिरामिड को क्या बोला जाता है इट इज़ बॉटम हैवी सो नीचे साइड में इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हैवी है क्यों हैवी है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यंग चिल्ड्रेंस है एडोलसेंट सिंस की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है है ना डेथ रेट्स को डेथ रेट्स को कंट्रोल करने की वजह से नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इन टू द एडोलसेंट स्टेज दे आर मोर सो हम लोग एडोलसेंट्स की पॉपुलेशन बच्चों की पॉपुलेशन ये सब हमारे पास ज़्यादा है ओके okay. सो so, क्योंकि हम लोगों ने डेथ रेट्स को डिक्लाइन कर दिया है सो डेथ रेट को डिक्लाइन करने के वजह से नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इन टू द नेक्स्ट स्टेज दे आर मोर ओके सो कंपेयर विद दिस चाइना है ना अब हम लोग चाइना के साथ कंपेरिजन करेंगे इसका सो so, चाइना का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है सी नीचे में हीवी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी बर्थ रेट्स चाइना में डिक्लाइन होते जा रहे हैं है ना सो so, अगर लेट फोर्टीज़ देखोगे अगर आप सो so, लेट फोर्टीज में चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है ओके okay. सो so, अभी चाइना क्या कर रहा है क्योंकि चाइना इज नो वेरी वेल दैट इन फ्यूचर हो सकता है कि चाइना में वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो इसीलिए पहले जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन फॉलो किए थे जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लागू किए थे फिर उसके बाद में दे केम टू से टू चाइल्ड पॉलिसी अब वो सारे पॉलिसीज़ को उन्होंने रिमूव कर दिए क्योंकि अब उनके कंट्रीज़ में ओल्ड एज की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है वर्किंग पॉपुलेशन कम होते जा रही है सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न अगर अगर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन नहीं रहेंगी तो काम कौन करेगा राइट एज ओल्ड और जो बच्चे रहते वो तो डिपेंडेंट्स रहते हैं है ना वो तो डिपेंडेंस रहते हैं पॉपुलेशन में बट वर्किंग एज अगर डिक्लाइन वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन होते जा रही है सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एनी कंट्री सो चाइना हैज़ रिमूव दोज पॉलिसी दोज रेस्ट्रिक्शंस एंड नाउ दे आर आस्किंग चाइनीज गवर्नमेंट इज आस्किंग देयर मैरिड कपल टू यू नो दे कैन गो अप टू थ्री चाइल्ड तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने कपल्स मैरिड कपल्स को ये बोल रही है कि यू कैन गो अप टू थ्री चाइल्ड ओके सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया और चाइना का ग्राफिकल uh, कंपैरिजन है ओके नाउ आई विल शो यू वन मोर ग्राफिकल कंपैरिजन एंड दैट इज केनिया का हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग केनिया का देख रहे हैं क्योंकि केनिया में अभी भी बर्थ रेट ज़्यादा है बट डेथ रेट्स भी वहां पर ज्यादा है इसीलिए ये केनिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल है okay. so, ये Kenya का population pyramid है है पर birth rates अभी भी ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा है ज्यादा रहने वजह से क्या हो गया कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंटरिंग इन टू द एडोलेशन फेज वो कम है जैसे इमेजिन करो दस चिल्ड्रंस की बर्थ हुई जीरो okay. so, में दस आएंगे बट क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है सो so वो डिक्लाइन होते जाएंगे जैसे जैसे ही ऊपर नेक्स्ट स्टेज में वो लोग पहुँचते जाएंगे सो so वो डिक्लाइन होते जाएंगा इसीलिए क्या है कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है केनिया का वो बॉटम में वाइड है बट एज वी गो टूवर्ड्स द टॉप तो वो स्टीपली वो स्टीपली डिक्लाइन होते जा रहा है तो वो बहुत स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है सो so वो जो कर्व है उसका दैट इंडिकेट्स कि वो कितना स्टीपली डिक्लाइन हो रहा है, है ना अगर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है इट मीन्स वॉट कि मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंटरिंग इन टू एडोलेसेंट फेज और अगर स्पीड में डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब क्या कि डेथ रेट्स उस कंट्री में ज्यादा है ओके okay, सो so ये चीज आप लोग ध्यान में रखो ओके सो विद आवर कंसेप्ट ऑन दिस कर्व इज ओवर ओके पॉपुलेशन पिरामिड का कंसेप्ट खत्म हो गया सो नाउ लेट्स मूव टू द थेरोटिकल डिस्कशन कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना इंक्रीज कैसे हो सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दैट इज़ कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना इंक्रीज़ कैसे हुआ ओके सो वाई इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज सो मच सी डेवलपमेंट्स तो है डेवलपमेंट्स की वजह से तो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ वो भी पॉजिटिव वे में है ना हम लोग डेथ रेट्स को कंट्रोल कर पा रहे इसलिए ओवरऑल सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल न्यू एडिशन इंक्रीज हो रही है बट डेवलपमेंट्स के अलावा भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ सो so फर्स्ट तो हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट को और समझ लेते हैं सो वॉट आर द रीजन फॉर डेवलपमेंट्स इन इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन एंड दैट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन वॉट इंफ्रास्ट्रक्चर ओके और विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव जैसे कि हॉस्पिटल्स ओके हॉस्पिटल्स है और जैसे रोड्स है है ना हॉस्पिटल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे पहले रूरल एरियाज में विलेजेस एरिया में हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं रहते थे हॉस्पिटल्स नहीं रहने के वजह से अनसेफ डिलीवरीज़ के ज़्यादा नंबर्स थे सो अनसेफ डिलीवरी है और डिलीवरी की वजह से उसके बिफोर में और आफ्टर में भी आने वाले कॉम्प्लिकेशंस सो इन सब चीज़ों के वजह से अ, मदर की और बच्चे की दोनों की भी लाइफ को बहुत डेंजर रहता था और इसीलिए उन लोगों की डेथ भी नंबर ऑफ डेथ्स भी ज़्यादा रहते थे बट नाउ विद दी यू नो इम्प्रूवमेंट इन हॉस्पिटल्स अब हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स है हमारे पास प्रोफेशनल टीम है राइट वी हैव नर्सेस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल है प्रॉपर इक्वमेंट फैसिलिटी हमारे पास एम आर आई टेक्नोलॉजी है सी टी स्कैन है सो इन सब के वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग मदर की हेल्थ और चिल्ड्रन दोनों की हेल्थ को ट्रैक कर पा रहे सो वी आर ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड चिल्ड्रन और अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि आ, मदर को कोई विटामिन की ज़रूरत है या फिर चिल्ड्रंस में किसी विटामिन की कमी है सो so इमिडिएटली हम लोग सप्लीमेंटल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सो ओवरऑल इसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग मदर और चिल्ड्रन्स की यू नो हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहे हम लोग उनकी डेथ रेट्स को कम कर रहे हैं सो so, इसके वजह से देर इज़ ओवरऑल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोड्स रोड्स में कैसा है इसको ब्रॉडर आप लोग कनेक्टिविटी से समझो कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है रोड तो एक मीडियम है बस इनक्रीज़ इन कनेक्टिविटी पहले किसी एरिया में इनकेस अगर जैसे कि ड्रॉट्स आया है ना ड्रॉट्स है और ड्रॉट्स के वजह से क्या होता है कि फ़ूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है राइट फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है सो नंबर ऑफ़ पीपल जो लोग फूड प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट थे सो so वहाँ पर जो पॉपुलेशन फूड के ऊपर डिपेंडेंट थी अब वो पॉपुलेशन के पास खाने के लिए फूड भी नहीं है सो so ऐसा इंडिया में बहुत बार हुआ है कि जहाँ पर बहुत सारे ड्रॉट्स इंडिया ने यू नो एक्सपीरियंस किए सो दिस ड्रॉट्स रिजल्ट इन डलाइन इन द फूड प्रोडक्शन एंड दैट अल्टीमेटली डिक्लाइन इन द फूड प्रोडक्शन लीड्स टू डेथ ऑफ पॉपुलेशन ओके सो अब क्या हो रहा है कि इंप्रूवमेंट इन रोड इसके वजह से क्या हो रहा है कि अब हम लोग फ़ूड को एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ पर ड्रॉट्स आया है वहाँ पर हम लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उनको हम लोग फूड प्रोवाइड कर सकते हैं है ना सो so, ये तो सिर्फ रोड का हो गया अगर इन केस दूसरी भी नेचुरल कैलामिटीज़ आती है फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी जैसे कि सुनामी है है ना फ्लड्स है हाई रेनफॉल है राइट right? सो so, इन सब ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है आज भी अगर ये कहीं पे आती है सो आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे पास रिजर्व फोर्सेस है इमिडिएटली हम लोग किसी भी मीडियम से वो पॉपुलेशन को सेव करने की कोशिश करते सो so, पहले ये सब चीज़ें उतनी नहीं थी इसके वजह से पॉपुलेशन की डेथ ज़्यादा होती थी नाउ विथ इम्प्रूवमेंट इन ऑल दिस थिंग्स वी आर एबल टू रिड्यूस द डेथ रेट्स ओके सो ये एक रीजन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज में क्या आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब लोग हम लोगों ने वैक्सीन्स डेवलप कर लिए डिसीज़ेस के लिए ओके सो पहले जैसे कि हेपेटाइटिस की वजह से जो डेथ्स होती थी राइट right? पहले पोलियो की वजह से जो डेथ्स होते थे स्मॉल पॉक्स है डिप्टेरिया है कॉलरा है सो so, इन सब डिसीज़ेस के वजह से जो डेथ्स होते थे बच्चों के अब वो डेथ्स को हम लोग कंट्रोल कर पा हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब वैक्सीन्स डेवलप कर लिए आप लोग मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम है गवर्नमेंट का कि टारगेट है उनका कि हम लोग वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे और यूनिवर्सल कवरेज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस को हम लोग इसमें कवर कर पाएंगे सो so, इस टाइप के वैक्सीन्स डेवलप हो गए और गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं सो so, इसके वजह से अब हम लोग चिल्ड्रंस की डेथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं ओके नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट आई विल क्लब अंडर इसके अंदर में और भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं दैट इज़ सोशल एटीट्यूड्स ओके नाउ यू विल से कि सर सोशल एटीट्यूड कैसे रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन इंक्रीज होने में अब इसको यहाँ पर आप समझो धीरे धीरे ओके okay, okay, सी इंडिया में रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं ओके कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं इंडिया में बट ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक एटीट्यूड्स है कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सारे रिलीजन और कास्ट और सभी जगह पर दिखाई पड़ते हैं ओके सो बिलीफ सिस्टम ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है पेट्रियारिकल सोसाइटी है तो वो हिंदूज़ में भी प्रिवलेंट है मुस्लिम्स में भी है और दूसरे रिलीजन में भी दिखाई पड़ती है राइट सो वुमन का एजुकेशन अपसेंस था तो वो हर जगह ही ऑलमोस्ट अपसेंस था सो so, ऐसे जो कुछ फीचर्स है ना सो so वो हर जगह पर प्रेजेंट है सो so, एक ओवरऑल इंडिया की सोसाइटी का जो सोशल एटीट्यूड था सो दैट एटीट्यूड इट वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन ओके अब इसको आप इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं एंड आई विल इनलिस्ट समर इट फर्स्ट पॉइंट इट्स इज की प्रेफरेंस ओवर मेल चाइल्ड ओके द फर्स्ट पॉइंट इज प्रेफ्रेंस ओवर मेल चाइल्ड अब इसके वजह से क्या हो रहा है अब ये तो सारी जगह पर प्रिविलेंट है राइट सभी को पहले की सोसाइटी में लड़का चाहिए था और आज भी ये बहुत सारे इंडिया की स्टेट्स uh, में होता है ऐसा जो हरियाणा में सेक्स uh, रेशो हम लोगों ने पढ़े कि हरियाणा में सेक्स रेशो बहुत कम है सो so, क्यों सेक्स रेशो कम है क्योंकि अभी भी प्रेफरेंस वहाँ पर प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड के लिए ओके okay. इसीलिए ये सब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को लॉन्च करने पड़ते हैं कि हम लोग बेटियों को बचाना ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर सेक्स रेशो में ही उसका इफ़ेक्ट होगा सारी दूसरी जगहों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है ओके okay. सो so, इसको ऐसे समझो प्रेफरेंस ओवर मेल चाइल्ड अब जैसे एक कपल है उसने डिसाइड किया कि दे विल गो फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड अब हो गया अब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद में डिलीवरी हो गई नाइन मंथ्स के बाद में और उन लोगों को लड़का होने के बजाय बेबी गर्ल इज़ बॉर्न लड़की हो गई यहाँ पर ओके okay. ठीक है कोई बात नहीं अभी भी फैमिली खुश है क्योंकि पहली बेबी है दे नो कि अब वो दूसरे तीसरे पर तो उनको वैसे भी जाना ही है सो अगेन दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर second चाइल्ड ओके अगेन दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर second चाइल्ड बट यहाँ पर अभी भी दूसरे टीम में भी उन लोगों को लड़की हो गई बेबी गर्ल इज बॉर्न सो चाहिए तो उन लोगों को लड़का है ना बट फिर से सेकेंड टाइम पर भी बेटी हो गई सो so, अभी भी पेरेंट्स ऑलमोस्ट खुशी है बट अब फादर को तो कहीं ना कहीं लगी रहेगी यार एक तो बेटा होना ही चाहिए सो अगेन ही डिसाइड्स टू गो फॉर स वो वो कर लेते हैं कि लड़का होगा एंड थैंकफुली इस टाइम पर बेटा हो गया ओके सो बेबी बॉय इज बॉर्न इसके वजह से क्या हो रहा है नाउ यू सी हियर अगर सेकेंड टाइम पर ही लड़का हो जाता इफ द बॉय हैड बॉर्न एट द सेकेंड प्लेस इट सेल्फ दे वुड नॉट हैव गॉन फॉर थर्ड प्रेग्नेंसी ओके सो ऐसे इंडिया में एक नहीं ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस है कि जहाँ पर दो लड़का होने दो लड़कियाँ होने के बाद में तीसरे नंबर पे बेटा है तीन लड़कियां होने के बाद में भी अगेन पीपल आर गोइंग फॉर दी फोर्थ चाइल्ड थिंकिंग दैट दिस टाइम यू नो कि लड़का हो जाए सो so, ऐसे इंडिया में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस है सो so, ओवरऑल क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली भी इंक्रीज हो रही है और देश की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है ओके सो दिस प्रेफरेंस ओवर मेल चाइल्ड ऑल्सो दैट टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ओके नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स इज कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेस कि द चिल्ड्रंस वे आर कंसिडर्ड एज ओल्ड एज सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स ओके सो पहले के जमाने में बच्चे इसलिए पैदा कर, करे जाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये रीजन भी था कि जब पेरेंट्स लोग बुढ़े हो जाएंगे तो बच्चे उनका ध्यान रखेंगे सो so, ये भी मोटिव रहता था है ना इसलिए दे यूज टू तो गो फॉर मोर चाइल्ड नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ ये फर्स्ट इसको कंसिडर करो ये सेकेंड हो गया और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देर वॉज सबसे ये मेन चीज़ है अपसेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग इंडिया में अप्सेंस थी पैट्रियारिकल सोसाइटी है सब कुछ हस्बैंड ही डिसाइड कर ले मम्मी लोगों का उतना रोल नहीं रहता था वाइफ का उतना रोल नहीं है जो भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है वो फादर के हाथ में ही है जॉइंट फैमिली कल्चर है एक लड़का एक लड़की हो रहा है फिर अगेन दे आर गोइंग फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये चलते ही जा रहा है ओके सो देर वॉज नो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कि हमको कितने चिल्ड्रंस करने चाहिए कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए फैमिली में राइट right? सो so, दो बच्चों के बीच में कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए फिर उसके बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रन्स ओवरऑल कितने प्रोड्यूस करने दो पर रुकना है या तीन पर रुकना है कोई अवेयरनेस नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम लोग उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग है क्या कि हम लोग तीन से चार बच्चों का ध्यान रख सके सो so ये सब चीज़ों का बहुत इग्नोरेंस था कुछ उतना इसको ध्यान नहीं दिया जाता था ओके नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सो कॉन्ट्रासेप्टिवस भी बहुत लिमिटेड थे कॉन्ट्रासेप्टिवस की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी कॉन्ट्रासेप्टिवस का यूज़ लिमिटेड इसलिए था क्योंकि एक रीज़न ये कि इसका अवेयरनेस नहीं था लोगों को ज़्यादा कि ये डिवाइसेस है या फिर मेल uh, के लिए जो प्रोटेक्शंस वगैरह आते हैं उसको यूज कैसे करना है एक दूसरा है एक्सेस उन लोगों का वो ये सब चीज़ों का प्रोटेक्शंस का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का उतना एक्सेस भी नहीं था आज जितने इजीली ये सब चीज़ें मिल जाती है इवन किसी जनरल स्टोर पे या तो फिर आ, किसी कोल्ड ड्रिंक की शॉप में तो पहले उतने इजीली अवेलेबल नहीं थी ये सब चीज़ें मोस्टली अर्बन एरियाज़ में थी रूरल एरियाज़ में बहुत धीरे 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 ये सब चीज़ें स्प्रेड हुई ओके सो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इट वॉज ऑल्सो वेरी लिमिटेड चार चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है इंडिया की ये आ, सेकेंडरी रीज़न है सब ओके प्राइमरी रीज़न नहीं है बट ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो कि चिल्ड्रंस वेयर ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम है चिल्ड्रंस वेयर कंसिडर्ड एज ओल्ड एज सिक्योरिटी राइट देन देर इज़ अ प्रेफरेंस ओवर मेल चाइल्ड राइट देन वी हैव एबसेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग ये सब लैक ऑफ एजुकेशन के आउटकम है एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग फिर उसके बाद में ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ लिमिटेड है फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट इज डिपेंडेंस ऑन डेस्टिनी गॉड फेट सो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस रहने के वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इंडिया का ओके फॉर एग्जांपल जैसे कपल ने डिसाइड किया कि उन लोगों को दो चिल्ड्रन होना बट तीसरा चिल्ड्रंस भी अब प्रेगनेंसी ठहर गई है अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी ओके सो अगेन वो लोग ऐसे सोचते थे कि ओके व्हाई शुड यू नो वी गो फॉर अबॉर्शन की दिस इज़ फ्रॉम गॉड ओके ये बच्चा भगवान ने भेजा है राइट right? ये इट्स लाइक like ये सब अल्लाह के तरफ से है सो so हमको रखना ही चाहिए ये इसमें यू नो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है सो so ये सब चीज़ें भी डीप बिलीव इन दोज ऑल इंस्टीट्यूशंस सो इसके वजह से भी नो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग है और इंडिया का पॉपुलेशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है ओके okay. नाउ एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है और पता नहीं आप लोग इसको किस एक्सटेंट तक एक्सेप्ट करोगे एंड इट सेज कि देर वॉज अब्सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज अप्सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज ओकेटेनमेंट फैसिलिटीज क्या आएगा इस रीजन में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इमेजिन करो आपके पास अभी मोबाइल फोन है टैबलेट्स है मॉल है राइट सो यू कैन गो टू सिनेमा फॉर वॉचिंग मूवीज मॉल है यू कैन गो फॉर शॉपिंग बाहर पार्कस है सो यू कैन गो फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ इंटरटेनमेंट यू हैव बट यू इमेजिन दोज पीपल रिसाइडिंग इन एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया जहाँ पर ना फोन चलता है ना इंटरनेट कनेक्शन है तो सोसाइटी बैकवर्ड है अभी भी सो उन लोगों के लिए कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं है सो दे यूज़ टू गेट इन्वॉल्व इन सेक्शुअल प्ले और इसके वजह से भी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज है और फिर उसके बाद में बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन है राइट right? सो so, इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है सो नाउ वी डिस्कस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च करी है पॉपुलेशन को स्टेबिलाईज करने में ओके सो देर आर सेवरल प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वन इज वी हैव नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली वेलफेयर सो the फर्स्ट प्रोग्राम is नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली वेलफेयर ये सब याद रखना आप लोग कभी कभी आप लोगों को डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करे हैं। वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबिलाईज द इंडियन पॉपुलेशन ओके सो द फर्स्ट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली वेलफेयर ओके नाइनटीन फिफ्टी टू में लॉन्च किया था ओल्ड प्रोग्राम है ये एक्चुअली नाइनटीन फिफ्टी टू में इंडिया इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ओके सो वॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम अगेन टू रिड्यूज द फर्टिलिटी रेट सो उस तो okay. टाइम पे फर्टिलिटी रेट यूज टू बी अराउंड सिक्स ओके टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना उस टाइम पे दैट यूज टू बी अराउंड सिक्स तो इसको रिड्यूस करना ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने टास्क था कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है और ब्रिंग डाउन ऑन ब्रिंगिंग डाउन दी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली वेलफेयर और सेकेंड प्रोग्राम में नाइनटीन सेवेंटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्सफुल रिसोर्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसोर्टेड टू फोर्सफुल स्टरलाइजेशन एक्चुअली इस प्रोग्राम की डार्क हिस्ट्री है थोड़ी सी फोर्सफुल स्टरलाइजेशन ओके सो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट इट वॉज बिकम वेरी यू नो कोर्सिव फोर्सफुली गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों का भी स्टरलाइजेशन किया ओके okay. सो so, लोगों में इतना डर बैठ गया था स्टरलाइजेशन के लेकर स्टरलाइजेशन को लेकर कि जो लोग थे मेल मेंबर स्पेशली दे यूज टू यू नो स्लीप ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड तो अगर उनके पास खेती है तो वो लोग खेत में जाके सोते थे कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल्स करते थे और ट्रेन में ही सो जाते थे वाई क्योंकि दे आर सो मच ऑफ अफ्रेड ऑफ़ द पुलिस अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि बस उन लोगों को अपने विलेज में और एक जगह पर रहना ही नहीं है बस छुपना है गवर्नमेंट ऑफिशियल से उन लोगों को ये डर था कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमको पकड़ ले सो देन दे विल यू नो फोर्स टू अंडर गो स्टरलाइजेशन सो इसकी थोड़ी सी डार्क हिस्ट्री है और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर ये सब प्रोग्राम्स हुए और एक्चुअली uh, इसके वजह से uh, दिस कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत लॉस भी हुआ एक तो ये इमरजेंसी का पीरियड था और दूसरी बात कि इस टाइम पे स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने फोर्सफुल लॉन्च किए सो यू नो पीपल वोटेड अगेंस्ट हर एंड फाइनली दैट लेड टू द डिफीट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट सो 1977 में फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो so, वो पॉलिटिकल तो हिस्ट्री ठीक है दैट वो कनेक्ट करने के लिए बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितना मतलब फोर्सफुल रहा हूँ प्रोग्राम कि लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट किया और लोग गवर्नमेंट से डर के भाग रहे इधर उधर है ना सो so, इवन जो लोगों को कंपेन्सेशन भी आ, मिलता है स्टर्लाइजेशन जो लोग करते हैं सो so, गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को कंपेन्सेशन भी मिलता है दैट अमाउंट ऑफ कंपेन्शन इट वाज आल्सो वेरी लेस ओके सो उसको हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नाइनटीन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ओके सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू थाउजेंड सी यहाँ पर थोड़ा सा ना uh, पीछे बैकग्राउंड का नॉइज आता है कभी हॉर्न का आवाज आएगा कभी किसी और चीज का सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इग्नोर ओके थर्ड इंपॉर्टेंट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एम्बिशियस टारगेट्स लॉन्च किए थे बहुत शॉर्ट टर्म भी और लॉन्च भी लॉन्ग टर्म भी सो गवर्नमेंट सेज की वी विल ट्राई टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू द रिप्लेसमेंट लेवल है ना पहले स्टार्टिंग के डिस्कशन में हम लोगों ने देखे थे कि कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को वो लोग कोशिश करते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल तक उसको रिड्यूस करो ओके

टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू पॉपुलेशन ओके सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फ्रॉम द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरी रिसेंटली एंड दैट इज मिशन परिवार विकास तो ये 2016 में लॉन्च हुआ है मिशन परिवार विकास मिशन परिवार विकास इट वाज लॉन्च इन 2016 तो आप लोग अभी ये रिसेंटली जैसे टू में वेन बीजेपी फॉर्म गवर्नमेंट उसके बाद में दो तीन साल के बाद में ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किए वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम एक्चुअली ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक है ना सो so, जैसे कि इंडिया में वन फोर्टी उन्होंने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है टोटल फर्टिलिटी रेट इट इज़ वो तीन से ज़्यादा है सो so, वहां पर हम लोग क्या करेंगे वी विल ट्राई टू रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट ऑन दोज एरिया जहां पर तीन से ज्यादा फर्टिलिटी रेट है ओके okay. सो so, 146 फोर्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए उस 146 फोर्टी सिक्स डिस्ट्रिक्ट फोकस करेंगे वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट तीन से ज्यादा है सो so, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे ओके okay. सो so, कैसे रिड्यूस करेंगे अगेन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव सर्विस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे राइट right? और फिर उसके बाद में फैमिली प्लानिंग सर्विसेस प्रोवाइड करेंगे सो so, इन सब चीज़ों को इसका अप्रोच बढ़ाएंगे हम लोगों तक सो दैट वॉज मिशन परिवार विकास 2016 और उसके अलावा भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है जैसे कि वी हैव वेसेक्टोमी टॉमी नाइट ओके वैसेक टॉमी नाइट सो ये हर साल नवम्बर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है टोमी फोर्ट नाइट दैट दैट इज फॉर जनरेटिंग दी अवेयरनेस फॉर मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टॉमी किसका होता है मेल स्टरलाइजेशन और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है फीमेल स्टरलाइजेशन ओके वेसेकटॉमी दैट इज फॉर मेल स्टरलाइजेशन और यहां पर ट्यूबेक्टोमी दैट इज फॉर ट्यूबेक्टॉमी दैट इज फॉर फीमेल्स ओके सो इसमें क्या होता है ट्यूबेक्टोमिक्स में और वेसेकटॉमी में क्या होता है सी ट्यूबिकटॉमी में जैसे फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं फीमेल्स में वो फैलोपियन ट्यूब्स में से एक रिलीज होके यूट्रस में आता है सो so, इसमें क्या होता है ट्यूबेक्टोमी में हम लोग एक वो फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है सो वी वी आर नॉट अलविंग द एग्स टू ट्रेवल टू द यूट्रस ओके सो और मेल में क्या होता है वेसेकटॉमी में जैसे यहां पर हम लोगों ने एग्स को ब्लॉक किए यहां पर स्पर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है सो विल नॉट अलाउ द स्पर्म्स टू एंटर इनटू द सीमेन ओके सो ये स्टरलाइजेशन टेक्निक्स है इंडिया में सबसे ज्यादा ये नाइन्टी परसेंट स्टरलाइजेशन वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी से ही होता है ओके okay. और उसके अलावा कुछ है जिस, जिसमें डिवाइसेस वगैरह यूज किए जाते हैं ओके सो दिस इज फिफ्थ दैट इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम वेसेकटोमी फोर्थ नाइट और फिर उसके बाद में कुछ मीडिया कैंपेन्स भी हैं हमारे पास सो so, उन मीडिया कैंपेंस के थ्रू भी हम लोग लोगों में अवेयरनेस जनरेट करते हैं फॉर मेल स्टरलाइजेशन ओके सो देर आर मीडिया कैंपेन्स फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस फॉर मेल स्टरलाइजेशन ओके सो एक नेशनल प्रोग्राम ऑन फैमिली वेलफेयर है देन वी हैव फोरफुल स्टरलाइजेशन नाइनटीन सेवेंटीज़ में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देन यू रिमेंबर दिस मिशन परिवार विकास 2016 में लॉन्च हुआ 146 डिस्ट्रिक्ट में फोकस करेंगे देन दिज आर अवेयरनेस प्रोग्राम वेसेक्टोमी फोर्ट है और मीडिया कैंपेन है सो इन सब प्रोग्राम्स को लॉन्च कर लिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें कर लिए है गवर्नमेंट सो नाउ विल सी कि एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे कि कहाँ पर गवर्नमेंट को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ओके okay, सो so इसको मिटा देता हूँ मैं सो नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट डिस्कशन दैट इज़ की गवर्नमेंट कहाँ पर लैग कर रही है ओके सो दिस थिंग्स कम्स अंडर क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोला है सो so ये पाँच से छः पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि कहाँ पर गवर्नमेंट को अभी भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ओके सो दिस थिंग्स कम्स अंडर क्रिटिकल एनालिसिस आई विल टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स ओके सी ये हमारे व्हाइट बोर्ड पर बार बार मिटाना पड़ता है इसकी वजह से हम लोग वीडियो में बार बार कट लेते हैं ओके अदरवाइज वो मिटाने में थोड़ा सा समय लगता है सो वो डिजिटल बोर्ड्स में क्या रहता है डिजिटल बोर्ड्स में एक बटन यहाँ पर रहती है उस बटन को क्लिक करो सो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है ओके okay. बट क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग किस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता बट हम लोग कौन सा कंटेंट को सुन रहे हैं कौन से कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट्स को यू you नो know, हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और किस तरह का लेक्चर हम लोग सुन रहे हैं वो सब चीज़ें ध्यान में रखती है सो आवर आवर फोकस इज़ मोर ऑन प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टू यू है ना कोई किताब ऐसी बचती नहीं कि जिसको हम लोग पढ़ते नहीं होंगे सो so वो सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के बाद विल ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट टू यू ओके सो इग्नोर दिस बोर्ड्स वगैरह फोकस ऑन कंटेंट ओके सो आई विल टेल यू सम ऑफ द सम्पोर्टेंट थिंग्स कि जहाँ पर गवर्नमेंट लैक कर रही है फर्स्ट थिंग जहाँ पर गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए वो है फीमेल एजुकेशन ओके सी जिस फैमिली में फीमेल एजुकेशन है वहाँ पर फैमिली साइज छोटा रहता है है ना और जिस स्टेट में फीमेल का एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट्स भी कम है ये तो डायरेक्ट रिलेशन है अगर फीमेल एजुकेटेड है अगर फीमेल इम्पावर्ड है तो वो फैमिली डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल रहता है है ना फैमिली प्लानिंग में भी उनका रोल रहता है फैमिली के इकोनॉमिक डिसीजन में भी उनका रोल रहता है सो so, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में फैमिली प्लानिंग को लेकर अगर बेटर डिसीजन पे आना है सो वी नीड टू एजुकेट और वुमन ओके सो फीमेल एजुकेशन पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा सो so दैट उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहे जितना हस्बैंड का हो ओके सो यहाँ पर हम लोग लैक कर रहे हैं फीमेल एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया अब स्लोली धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रही चीज़ें बट वी नीड मोर इम्प्रूवमेंट हियर ओके फर्स्ट वन इज फीमेल एजुकेशन देन सेकंड इज स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स में थोड़ा सा मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है कौन से मॉडिफ़िकेशन स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स की हिस्ट्री जो है इंडिया में वो डार्क हिस्ट्री है बहुत जैसे लोगों के दिमाग में उसकी इमेज अच्छी नहीं है स्टरलाइजेशन की सो अर्लियर पीरियड्स में क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने देखे कि लोगों को फोर्स किया गया स्टरलाइजेशन कराने के लिए सो इंस्टेड ऑफ़ फोर्सिंग और पीपल टू अंडर गो स्टरलाइजेशन वी वी मस्ट कन्विंस देम हम लोग उन हमने उनको कन्विंस करना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है है ना अगर वो कपल स्टरलाइजेशन के लिए जाता है सो so हम लोग उनको कंपेन्शन प्रोवाइड करना चाहिए और वो कंपेन्सेशन भी टाइमली कम्पन्शन रहना चाहिए फर्स्ट तो इंस्टेड ऑफ़ फोर्सिंग देम फोकस ऑन कन्विंसिंग देम दूसरा है कि आप उनको जो कंपेन्सेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कम्पेंसेशन टाइमली प्रोवाइड करो है ना एक रिपोर्ट है एक केस स्टडी है आई विल टेल यू कि जहाँ पर कंपेन्सेशन चार साल पाँच साल छः साल तक डिले किया गया अगर आप किसी फैमिली को चार या पाँच साल तक कंपेन्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो सो वो फैमिली का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है राइट वो फैमिली का एक सोशली और इकोनॉमिकली भी उन लोगों का सब लॉस हो रहा है सो so, इसकी भरपाई कौन करेगा फिर इसीलिए लिए एक इनफ अमाउंट भी रहना चाहिए ताकि वो जो नए चिल्ड्रन्स को प्रोड्यूस करना उन्होंने डिसाइड मतलब पहले वो लोग प्रोड्यूस करने वाले थे अब स्टरलाइजेशन के बाद में तो उनकी फ़ैमिली में कोई नया मेंबर आएगा नहीं सो दैट इज़ इट्स लाइक अ लॉस ऑफ लेबर फॉर देम सो कम्पन्सेशन की अमाउंट भी सिग्निफिकेंट रहनी चाहिए पहला कम्पनसेशन भी टाइमली डिलीवर करो और फिर उसके बाद में लोगों को कन्विंस करो फोर्स मत करो कंपनसेशन टाइमली रहना चाहिए कंपनसेशन की अमाउंट सिग्निफिकेंट रहनी चाहिए और अथॉरिटी ने कोर्सिव बिहेवियर नहीं करना चाहिए ओके okay, अथॉरिटी ने प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों को कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के और स्मॉल फैमिली रहने के एडवांटेजेस क्या है वाई यू शुड गो फॉर स्मॉल फैमिली सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली टू द पुअर एंड इलिटरेट पीपल हैविंग नो नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग ओके सो so, एक तो फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दो इस पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर डेडिकेटेड लोग चाहिए हमको बेटर स्टाफ चाहिए राइट सो so, ये सब चीज़ें हम लोगों को इम्प्रूव करनी पड़ेंगी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम की अवेयरनेस लोगों में जनरेट करना पड़ेगा स्टरलाइजेशन को लेकर कि स्टरलाइजेशन कैसे तुम लोगों के लिए हेल्पफुल है राइट नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जितने भी गवर्नमेंट ने अभी तक एम्बीशियस टारगेट्स लॉन्च किए हैं सो वो टारगेट्स बस लॉन्च करने से नहीं होंगे सो so उसका हम लोगों को प्रॉपर मॉनिटर भी करना पड़ेगा वो टारगेट्स को कि वो टारगेट्स जो भी हम लोगों ने लॉन्च किए थे वो टारगेट्स को मॉनिटर कौन कर रहा है कैसे हम लोग प्रॉपरली उसको डिटेक्ट करते रहेंगे कि हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेट तक पहुँचे है क्या स्टर्लाइजेशन का लेवल क्या है इंडिया में कितने लोगों को हम लोगों ने स्टर्लाइज कर दिया है So, इन सब चीजों के लिए हम लोगों को वो प्रोग्राम्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ना करना पड़ेगा ओके नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स सेस कि एजुकेशन और कल्चर सी हम लोगों ने डिवाइसेज पे फोकस किया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज कौन से यूज करने चाहिए कैसे हम लोग वेस्ट से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करना सीख सकते बट ये सब तो ठीक है इसके अलावा हमको कल्चर चेंज पे भी ध्यान देना पड़ेगा हम हमको चाहिए कि वी नीड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वी नीड टू प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन इतना एजुकेशन इनफ तो उनको प्रोवाइड कर दो कि वो लोग अपने आप के लिए अवेयर हो जाए राइट right? उनकी हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन इम्प्रूव हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सो so ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे इम्प्रूव होती है सो so लोग छोटी फैमिली के तरफ यू नो ज़्यादा Uh, उन लोगों का झुकाव होता है फिर ओके नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट कि एनजीओस एक ये हो गया नाउ द फिफ्थ पॉइंट इट में क्या लिखेंगे सी कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओ है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए काम करते हैं ओके सो ये इमेज को देखो आप लोग सो so, ये सब एनजीओ है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में लॉन्च करते हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मिसर्स में सो so, एन को हमको कैसा यूज़ करना है सी एन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखो ओके okay. क्योंकि एन एक जनरल टॉपिक है जी uh, एस में भी है जनरल स्टडीज़ में भी है ये ऑप्शनल में भी है और एन एवरी नाउ एंड देन इम्पॉर्टेंट रहता ही है सी एन के बारे में आपको चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है वाई एन आर इम्पॉर्टेंट टू अस फर्स्ट वन इज एन के पास डेडिकेटेड मेंबर्स रहते हैं वो टारगेट्स अचीव करने के लिए जो भी एन जैसे कोई एन एजुकेशन में काम कर रही है या कोई एन हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है सो so, उन लोगों के पास डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड बंदे रहते हैं स्टाफ है सो so, इन सब चीज़ों के वजह से वो अपने टारगेट्स के तरफ बहुत एम्बिशियस रहते हैं उसको अचीव करने के लिए सो so, दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या है एन का सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज उन लोगों के पास लोकल नॉलेज रहता है क्योंकि एन मोस्टली लोगों के बीच में काम करती है लोगों के बीच में काम करने के वजह से लोगों के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो उन लोगों को पता है सो so, ये सब उनके प्रैक्टिकल नॉलेज का गवर्नमेंट हेल्प ले सकती है गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है सो so, एन को हम लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा गवर्नमेंट एक साइड में है और दूसरे साइड में हमारे कॉमन पीपल हैं जो बेनिफिशियरीज है और इसके बीच में एन एक ब्रिज रहेगा सो वो एन की हमको हेल्प लेना पड़ेगा है ना एन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बैरियर टू डेवलपमेंट रादर एन एन जी शुड बी कंसिडर्ड एज़ यू नो दिस ब्रिज फॉर दी डेवलपमेंट्स सो लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एन जी ओज ब्रिज है है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्कीम्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्कीम्स तो लॉन्च कर दिए बट क्या वो स्कीम्स लोगों तक प्रॉपरली पहुँच रहे हैं इसका यू you नो know, इसको पहुँचाएंगा कौन लोगों तक एन है ना जैसे कि स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च तो कर दी है बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो इसकी अवेयरनेस कौन जनरेट करता है एन करते हैं, करते ओके सो अगर प्रोग्राम्स में कोई डिफेक्ट है अगर एन को लग रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिसके वजह से वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके तो ये सब कौन करता है ये भी एन ही करती है सो so, जो एन का पॉजिटिव साइड है है ना जो एन का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो हमको ध्यान में रखना है और उसका हमको यूज़ करना है सो so, हमको इट मीन्स गवर्नमेंट को सो so, गवर्नमेंट मस्ट यूटिलाइज यू नो दिस पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिव यू नो आस्पेक्ट्स ऑफ एन जी ओस सो यहाँ पर भी हम लोग लैक कर रहे हैं सो दिस फाइव पॉइंट्स यू रिमेंबर सो ये पाँच पॉइंट्स आप लोग एग्जाम में लिखना हर एक इसका थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना ओके okay, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो काफ़ी है ओके सो विद दिस आवर टॉपिक ऑन इंडियन पॉपुलेशन इज ओवर हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किए थे 2011 का बेसिक डेटा से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन देखे राइट देन वी हैव सीन कि इंडिया का पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुआ फोर स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फिर उसके बाद में वी हैव सीन कि वो जो ग्राफ है दैट वी स्टडीड अबाउट पॉपुलेशन ग्राफ देन वी हैव सीन कि इंडिया की पॉपुलेशन के ग्रोथ का इतना रीजन क्या है क्यों इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ देन फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स कौन से लॉन्च किए एंड लास्ट में कहाँ पर हम लोगों को अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ओके सो विद दिस आवर टॉपिक ऑन इंडियन पॉपुलेशन इज ओवर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके सो थैंक यू वेरी मच